today we are going to learn about our exercise depends on Mumbai lesson. Okay, ये जो Mumbai lesson है हमने पढ़ा है, तो इसी lesson पर आधारित question answers हमारे textbook में दिए गए हैं, तो उन्हीं question answers को आज हम solve करेंगे. So our first question is fill in the blanks. Okay, so देखो आपके टेक्सटबुक में टिक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है फर्स्ट. तो देखो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये जो मुंबई है ये महाराष्ट्र स्टेट की क्या है, राजधानी है. ओके, नाउ सेकंड, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज. मुंबई का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है, मध्यम स्वर्ग का है, दैट मीन्स मॉडरेट है, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ठंडा, दैट मीन्स मॉडरेट. ओके, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट. देन गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुंबई. ये जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, ये मुंबई सिटी का फेमस क्या है, फेस्टिवल है. ओके, गणेश चतुर्थी. देन बी क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट वर्ड. आपको टू वर्ड दिए गए हैं जिसमें से एक वर्ड करेक्ट है, तो उस करेक्ट वर्ड को टिक करना है. तो देखो फर्स्ट इज मुंबई इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 या 7 आइसलैंड. आपका टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 68, तो आप वहां पर देखो और टिक करते चलो. ठीक है, तो देखो मुंबई इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 और 7 आइसलैंड. तो कितने आइसलैंड है यहाँ पर, आप 7, तो आप 7 को क्या करेंगे, टिक करेंगे. ओके, चलिए मुंबई रिसीव्स हेवी रेनफॉल इन. मुंबई में जो बारिश होती है वो सबसे ज्यादा कौन से मंथ में होती है, जून एंड जुलाई या तो फिर दिसंबर एंड जनवरी. तो हमें पता है जून एंड जुलाई में मुंबई में हेवी रेनफॉल होता है. देन मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. मुंबई सिटी में जो हम समंदर देखते हैं तो वो बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, तो वो है अरेबियन सी. ठीक है, अरेबियन सी. ओके, नाउ नेक्स्ट, मुंबई इज फेमस फॉर. मुंबई जो है वो कौन से चीज में फेमस है, पाव भाजी एंड भेलपुरी या फिर इडली एंड डोसा. तो मुंबई की जो स्पेशल फेमस डिश जो है वो है पाव भाजी एंड भेलपुरी. सो यू हैव टू टिक द. ओके, नाउ नेक्स्ट, द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई इज कॉल्ड. जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई की उसको हॉलीवुड बोला जाता है या बॉलीवुड बोला जाता है, तो बॉलीवुड. ओके, द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई इज कॉल्ड बॉलीवुड. देन नेक्स्ट सी क्वेश्चन. ओके, सी क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग, दैट मीन्स नेम दिस. ओके, नाउ फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ मुंबई. हमने लेसन में पढ़ा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है वो मुंबई का है गेटवे ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ मुंबई रेलवे स्टेशन. कोई भी एक मुंबई का रेलवे स्टेशन लिखो तो वो है मुंबई सेंट्रल. मुंबई सेंट्रल. देन नेक्स्ट, मुंबई मोस्ट पॉपुलर ड्रामा. मुंबई सिटी का जो फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रामा है तो वो है तमाशा. तमाशा इज मोस्ट पॉपुलर ड्रामा इन मुंबई सिटी. देन द नेकलेस ऑफ मुंबई. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो भी मरीन ड्राइव पर हमने क्या देखी, चमचमाती हुई जो रोशनी देखी, वो रोशनी जो होती है वो बिल्कुल एक क्वीन के नेकलेस की तरह दिखती है, राइट? तो उसी को क्या बोला गया है, मरीन ड्राइव, है ना. द नेकलेस ऑफ मुंबई इज
मरीन ड्राइव को मुंबई का हार बोला जाता है, नेकलेस ऑफ मुंबई। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज राइट डाउन इन योर नोटबुक नीटली एंड प्रॉपरली। ओके, मैं आपको एक पिक्स भेज दूंगी, आप इतनी एक्सरसाइज आज अपने नोटबुक में लिखेंगे। अगली भी एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, स्टडी करो मजे से।